सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैंने एक और वीडियो ला चुके हैं एंड आप लोगों के कमेंट की वजह से ये वीडियो आया है एंड आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया एंड बहुत अच्छा प्यार दिया इस फोटो पे एंड आप लोगों के कमेंट की वजह से इस फोटो का हम ट्यूटोरियल लाए हैं एंड ये फ़ोटो बहुत ही तगड़ी लग रही है एंड पोस्ट करने से एडिट क्लिक करने से पोस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे और कैसे एडिटिंग उडिटिंग रिटेक्शन कैसे किए ये सब कुछ बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सारा कमेंट किया। ये देखिए भाई, इसका फुल ट्यूटोरियल है, भाई इसका ट्यूटोरियल है, भाई इसका ट्यूटोरियल है। अभी और अभी आपको नीचे दिखाते हैं। बहुत बहुत भाई लोगों ने इस फोटो पे कमेंट किया कि भाई इसका ट्यूटोरियल है एंड आप लोग कमेंट करें और हम ना पूरा करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप लोगों के कमेंट की वजह से हम इसका ट्यूटोरियल लेके आए हैं एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल एडिटिंग है एंड बहुत ही सिंपल आप लोगों को प्रोसेस से हो जाएगा। एंड ये देखिए भाई, वीडियो अपलोड कीजिए, भाई फ़ोन को उठाए, उसका यूट्यूब पे वीडियो डालिए एंड आप लोग बहुत देखिए, अभी अभी बहुत सारा कमेंट है एंड बहुत सारा अभी आप लोगों को कमेंट बहुत सारा दिखा देंगे। देखिए भाई, इस फ़ोटो का ट्यूटोरियल लाइए एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया एंड इस पर कुछ 25K लाइक गए हैं एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो चलिए, तो कैसे आप लोगों को एडिटिंग किया एंड कैसे पोस्ट किया पूरा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को क्या करना है, एंड तक वॉच करना है। तो चलिए चलते हैं अपने जो शूट किए उस फ़ोटो पर। तो हम आ चुके हैं अपने गैलरी में एंड गैलरी में आने के बाद आप लोगों को जस्ट उस फ़ोटो पर चले जाना है। तो ये रहा जो शूट करा है, ये रहा फ़ोटो एंड देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एंड जिस स्टेप से बताएंगे आप लोग उसको फॉलो करिएगा। तो इसको लेकर चलते हैं हम ऑटोडेस्क ऐप में, और ऑटोडेस्क ऐप में लेकर चलते हैं और यहां से बताते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप लोग को जस्ट इसको जूम करना है एंड ब्रश का साइज़ आप लोग को बताते हैं एंड जस्ट आप लोग को हल्के हल्के हाथों से स्मूथ करना है एंड देखिए कितना प्यार से आप लोग का स्मूथ हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप लोग को स्मूथ करना है एंड अभी स्मूथ आप लोग को बहुत बारीकी से वॉच करना है क्योंकि स्मूथ में ही हम कुछ बताने वाले हैं जिससे आप लोग का फेस बहुत ही अच्छी तरीके से गोरा हो जाएगा एंड आप लोग का ब्लैक से ब्लैक फ़ोटो भी गोरा हो जाएगा स्मूथ करने के बाद। तो इसको करिए आप लोग वॉच एंड आप लोग स्किप नहीं करिएगा एंड आप लोग ना स्मूथ को पूरा देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं एंड स्मूथ में हम आप लोग को बहुत सारे टिप्स बताते हैं तो आप लोग पूरा स्किप कर देते हैं। एंड आप लोग अभी इसमें हम आप लोग को साइज़ दिखाते हैं इसका। देखो तो इसका साइज़ 3 रहेगा, इसका साइज़ 12 रहेगा, स्टेंज का साइज़ और अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को स्क्रीन पर चले जाना है एंड यहाँ से आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वही देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम इसको ज़्यादा बारीकी से नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को बहुत प्यार से स्मूथ कर देना एंड देखिए गाइस, आप लोग को ऐसी एडिटिंग सीखना है ना, प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, तभी कुछ आप लोग इस प्रकार की जैसे हम एडिटिंग है बिल्कुल आप वैसे सीख पाएंगे। उसके बाद जस्ट आप लोग को कुछ नहीं करना है, आज से आप लोग को शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग को जस्ट इसको अपने लाइटरूम ऐप में भेज देना है एंड लाइटरूम ऐप में भेज देना है तो आप लोग का चला जाएगा एंड आप लोग का कुछ चला जाएगा एंड आप लोग को फिर से शेयर कर देना है। तो हम दो बार शेयर करते हैं क्योंकि हमारे लाइटरूम में बग आ जाता है एंड आ चुका है हमारा लाइटरूम ऐप में। तो इस फोटो का एडिटिंग करने के लिए सिंपल ट्रिक है, आप लोग को एक प्रीसेट देंगे एंड प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो सेकेंड प्रीसेट है वो आप लोग को खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीसेट उतना नहीं इंपॉर्टेंट रखता जितना सेकेंड रखता है। तो सेकेंड आप लोग को खुद करना पड़ेगा, तो वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो जस्ट आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग करके जस्ट अपनी फोटो पर लाकर पेस्ट कर देना एंड पेस्ट करते ही देख सकते हैं कितना ऑसम हो चुका है। एंड इसमें आप लोग को बताएंगे फेक ग्रेडिएशन कैसे लगाएं, जैसे आप लोग को फोटो में दिखाएं कि कैसे यहाँ से लाइट निकला है साइड से यहाँ से आप लोग का साइड से जो लाइट निकला है कैसे निकला है तो वो भी बताएंगे। तो जस्ट आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को जस्ट आप लोग को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट ऐप में एंड वीडियो बड़ा नहीं होगा तो आप लोग बारीकी से वॉच करिएगा, स्किप नहीं करिएगा, मैं शुरू से बोलते जा रहा हूँ आप लोग स्किप मत करिएगा। एंड यहाँ से आप लोग को चले जाना है पिक्सआर्ट ऐप में एंड पिक्सआर्ट ऐप में जाने के बाद आप लोग को जस्ट कुछ नहीं करना है, तो आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप में चले आना है एंड जस्ट आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्टिकर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को R E D
NLIGHT लाइट सर्च मार लेना है। एंड सर्च मारने के बाद ये जो ये वाला लाइट है एंड आप लोगों को क्लियर दिखा दे ये वाला लाइट, इस पर आप लोगों को जस्ट क्लिक कर देना है एंड लोडिंग होके हो जाएगा। एंड ब्लेंडर वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को जस्ट स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद ना आप लोगों को जस्ट इसको अपने जहाँ पर भी जो लगाना है जहाँ आप लोगों को लगाना है वहाँ पर आप लोगों को लगा देना है। एंड इरेज पे क्लिक करके बैकग्राउंड कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को इसको एक बार और ले लेना है एंड उसके बाद इरेज पे क्लिक करके इसको फुल कर देना है एंड बैकग्राउंड कर देना है। एंड फिर आप लोगों को एक बार और ले लेना है, जहाँ जहाँ आप लोगों को लगाना है ना, जितना सा भी पार्ट लगाना है ना मेरे भाई, वहाँ वहाँ आप लोगों को जस्ट ऐसे बैकग्राउंड करते चले जाना है। एंड यहाँ तक देखिए कितना औसम तरीके से लग चुका है। एंड यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या बताते हैं आप लोगों को, हेयर को कैसे मतलब इंक्रीज करें और बहुत ही औसम लुक डालें। तो क्या करना है आप लोगों को, जस्ट आप लोगों को टूल्स वाले आइकन पे चले जाना एंड स्टिक पे चले जाना है। एंड इसका आप लोगों को साइज़ देख लेना, पावर को आप लोगों को 6 करना है एंड साइज़ को इंक्रीज कर देना। पावर आप लोग बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है ना, आप लोगों का हेयर जो है मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोगों को साइज़ को इसका फुल कर देना है एंड ज़्यादा 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 तेज़ नहीं उठेगा, लेकिन जितना भी उठेगा बहुत ही औसम उठेगा। तो क्योंकि आप लोग उसको पावर को बढ़ा देते हैं ना तो उठता है ना तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। एंड यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी के तरीके से समझ आ चुका। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप इसको डाउनलोड करके जस्ट आप लोग को लाइटरूम ऐप में शेयर कर देना है। एंड आप लोग को लाइटरूम ऐप में शेयर कर देना है एंड ये लास्ट स्टेप है। तो लाइटरूम ऐप में शेयर कर देना है एंड यहाँ से आप लोग को चले जाना है। एंड यहाँ से आप लोग को करना क्या है बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे एंड बहुत बहुत बारीकी से बताएंगे। तो वीडियो का एंडिंग होने वाला है, तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आप लोग को चले जाना है कलर वाले आइकन पर, वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना है एंड आप लोग को मिक्स टूल पर जाके आप लोग को इसको अपने फेस को हल्का सा और ग्लो कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग का काम स्टार्ट होता है। इसको पीले वाले का जो हुई है 99 कर देना एंड हरे वाले का भी 100 कर देना। एंड उसके बाद आप लोगों को फिर से अपने पीले वाले में चले जाना और इसका अपने हिसाब से जितना आप लोगों को चाहिए उतना कम कर देना और इसका भी अपने हिसाब से कम कर देना। एंड रेड का अपना जो है कलर है उससे आप लोग को हल्का फुल्का बढ़ा देना। एंड अभी आप लोग को दिखाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को मार्किंग पे चले जाना एंड ब्रश पे चले जाना है। एंड ब्रश पे जाने के बाद आप लोग को जस्ट अपने अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप लोग को जस्ट यहाँ पर डन कर देना है। एंड यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग को क्या करना है, डिटेल्स पे चले जाना, शार्पनिंग डिटेल्स मार्क टू नोज डिटेक्शन एंड कंटेंट्स कलर नोज डिटेक्शन और डिटेल्स सारा कुछ देना है। ऑपसिटी पर जाकर दोनों को कर देना है। उसके बाद इफेक्ट वाले आइकन पर जाकर आप लोग को ग्रीन्स को हल्का बढ़ा देना और साइज को बढ़ा देना। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर लुक देख सकते हैं। तो